हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंचन और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्वीट पपाया चटनी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं स्वीट पपाया चटनी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम लगभग पका हुआ पपाया, इसे हमें पील ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पे ये पील ऑफ करने का है उससे पील ऑफ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाकू से भी कर सकते हैं, जिससे आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे मैंने पील ऑफ कर लिया है, इसे अब मैं पीसेस में कट कर लूँगी ताकि पपाया का जो अंदर का पार्ट है उसे हमें काटने में इजी हो। इस तरह करके हम पपाया का अंदर का पार्ट को भी हम अलग कर लेंगे। वो थोड़ा कड़वा लगता है तो हमारा पपाया चटनी कड़वा ना बने, तो हमें उसे काट के हटा देना है। अब यहाँ पे मैं पपाया के पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। पपाया को हमें उबालना है तो उसके लिए मैं कढ़ाई पे पानी गर्म होने के लिए दूंगी। पानी को हमें हल्का गुनगुना कर लेना है। पानी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम कटे हुए पपाया को ऐड कर देंगे और इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो इसे कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें आप एक सीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरा पपाया उबल चुका है और पानी थोड़ा बचा है, तो इसे हम इस तरह मिक्स करके पानी पूरी तरह सुखा लेंगे। कुकर में इसको सीटी लगाने से होता है कि पपाया हमारा पूरी तरह अच्छे से सीज जाता है। यहाँ पे पपाया हमारे पक चुके हैं, अब इसे हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हमें कढ़ाई को गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सरसों का तेल 1 चम्मच। इसमें हम ऐड करेंगे काला जीरा यानी कलौंजी, थोड़ा सा जीरा, और टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं चुटकी भर हींग का भी यूज़ कर रही हूँ। इन सबको हम मिला देंगे और हमारे बॉयल किए हुए पपाया को ऐड कर देंगे। पपाया को आप मिक्सी पे पीस कर भी ले सकते हैं। अगर आप कढ़ाई पे इसको उबाल रहे हैं तो आप इसे मिक्सी पे पीस के आप फाइन पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको फाइन पेस्ट का चटनी चाहिए तो। मुझे ये थोड़ा दरदरा पसंद है तो मैं इसे दोनों का कॉम्बिनेशन करूँगी। तो चटनी को यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन करने के लिए यहाँ पे मैं मेसर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हल्का दरदरा और थोड़ा सा ये फाइन पेस्ट के रूप में आ जाए ताकि चटनी को खाने में थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा इसका बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने मेसर से पपाया को मेस लिया है और इसे हम थोड़ा सा इस तरह मिलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक यूज़ करेंगे और ये हम स्वीट पपाया चटनी बना रहे हैं तो इसमें हम चीनी का यूज़ करेंगे। नमक को मिला लेने के बाद यहाँ हम ऐड करेंगे चीनी। तो आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 चम्मच लगभग चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और चीनी पिघलने के बाद ये चीनी पानी छोड़ता है, इसे हम इस तरह मिलाते हुए पानी को सुखा लेंगे। और जैसे ही चीनी पकने लगेगा तो इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, तो इसे हम ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो पपाया को हम और 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे ताकि चीनी का जो रस है वो पपाया के अंदर तक चला जाए। तो लो फ्लेम पर हम पपाया को 2 मिनट तक और पकाएंगे और फिर ढक्कन हटा के इसे हम इस तरह मिलाते मिलाते 2 मिनट तक और पकाएंगे लो फ्लेम पे। और इसमें आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे काजू है तो काजू मैंने ऐड कर दिया है और देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी सुंदर आया है और चटनी का पानी लगभग सूख चुका है। तो अगर आपको थोड़ा लिक्विडी चाहिए तो आप इस तरह रख सकते हैं या फिर इसे आप एकदम ड्राई भी कर सकते हैं। ये चटनी हमारा बन के रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा होने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसका कलर काफ़ी सुंदर और देखने को आता है और इसे आप फ्रिज में 2-3 दिन रख सकते हैं आराम से। तो ये हमारा स्वीट पपाया चटनी बन के रेडी है। आप इसे खाइए और बनाइए। कैसा लगा है ये रेसिपी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लाइफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।